नमस्कार, डीएलएड के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, प्रिंसिपल फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आज की इस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम भाषा शिक्षण के कौशलों में श्रवण कौशल पर चर्चा करेंगे। श्रवण कौशल क्या है? भाषा के कौशलों में श्रवण कौशल प्रथम एवं प्रारंभिक कौशल है। बालक का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता और अपने परिजनों से सुनता है। सुनने के उपरांत परस्पर उनके बीच में भावात्मक और संवेगात्मक संबंध श्रवण एवं शारीरिक प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। इसलिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। श्रवण को केवल हम यहीं से नहीं समझें, बालक और मनुष्य किसी की भी बात कर लीजिए हम, उसमें से सबसे पहले यदि अभिव्यक्ति या विचार विनिमय की जो प्रक्रिया है, विचार विनिमय की प्रक्रिया में सबसे पहले श्रवण के उपरांत ही कुछ भी हुआ है। प्राचीन काल, मैं वैदिक काल से भी पहले की बात कर रही हूँ, जब लिपि का उद्गम नहीं हुआ था, उस समय भाषा जो है वो ध्वनि के माध्यम से समझी जाती थी और वो ध्वनि सुन करके आप उसे ग्रहण करते थे। आज भी भाषा हमें समझ में आई या नहीं आए, लेकिन कुछ ध्वनि चिन्ह ऐसे होते हैं और उस ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम लोग आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरा कौन क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझ पाते हैं। यहाँ तक कि पशुओं के अंदर जहाँ पे उनमें भाषा नहीं होती है, लेकिन उनमें भी श्रवण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है अभिव्यक्ति का, विचार विमर्श का। भाषा शिक्षण में दो कौशलों का प्रयोग होता है। दो कौशल भाषा शिक्षण में जो मुख्य दो चीज़ें हैं या दो बातें हैं या दो पहलू हैं जिनके हम बात करेंगे, वो है ग्रहण और अभिव्यक्ति। सबसे पहले मनुष्य ग्रहण करता है, ग्रहण किसी भी चीज़ को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण वो ध्वनि के माध्यम से करता है, श्रवण के माध्यम से ग्रहण करता है, सुन करके करता है और पढ़कर करता है। ग्रहण के बाद में दूसरी चीज़ आती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति बोल करके करता है और लिख करके करता है। दो चीज़ें उसमें आती है, बोल करके और लिख करके। तो ये दो चीज़ें जो है, दो मुख्य जो हमारे आधार हैं श्रवण के, जो दो मुख्य आधार हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। बालक ने सुना, सुनने के बाद उसने ग्रहण किया और ग्रहण करके प्राप्त किया और उसने पढ़ के प्राप्त किया। दूसरा, उसने अभिव्यक्ति करी। अभिव्यक्ति में भी उसने पहले सुना, सुन करके किया और फिर उसने लिख करके अभिव्यक्ति करी। तो इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। श्रवण कौशल क्या है? श्रवण कौशल क्या है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे श्रवण के अर्थ की, क्योंकि किसी भी पहलू को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या किसी भी विषय पर बात करने से पहले सबसे आवश्यक है कि आप उस शब्द या उस वाक्य के अर्थ को समझ लें। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। श्रु धातु का अभिप्राय है किसी व्यक्ति, श्रु धातु बना है जिसका अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति अथवा यंत्र से उच्चारित हुई ध्वनियों, शब्दों, भावों और विचारों को कानों से सुन करके उसे करने की जो क्रिया है उसे श्रवण कहते हैं। ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको श्रवण कहते हैं। जो भाषाई कौशलों में, श्रवण में पारंगत होने वाले जो बालक है, उनकी ग्रहणेंद्रियाँ सबसे ज़्यादा तीव्र होती हैं और उनमें ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से वो ग्रहण करते हैं श्रवण के माध्यम से और वो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम, बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भाषा में श्रवण क्या है इसके ऊपर क्या कहा है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन लंदन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक के अनुसार भाषा एक कौशल है, एक कला है, एक भाव है और एक क्रिया है। भाषा शिक्षण का स्वाभाविक क्रम भी है और भाषा सिखाने की क्रमबद्धता भी है। अब हमने देखिए कितनी चीज़ें इस एक ही शब्द में समाहित कर दी। कौशल यानी कुशलता, कला एक कला है, एक आर्ट है, एक भाव है
और एक क्रिया है, एक कार्य है, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वाभाविक क्रम है जिससे सीखने में क्रमबद्धता आती है। इसके बाद में है भाषा कौशल का महत्व, यानी भाषा कौशल के महत्व में श्रवण कौशल क्या है और उसका महत्व क्या है। श्रवण कौशल में महत्व की जब चर्चा हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा आता है शब्दों के उद्गम स्थान की पहचान करना। आप लोग सोच रहे होंगे कि शब्दों का उद्गम स्थान क्या होता है। शब्दों का अपना उद्गम स्थान होता है। भाषा में स्वर और व्यंजन जो हमारे हैं उनके अपने उद्गम स्थान है, और विशेष रूप से जो हमारे वर्ण है, कवर्ण क ख ग ग ड, चवर्ण च छ ज ज ण, तवर्ण त थ द द ण, पवर्ण प फ ब ब म, ये सारे जो जितने भी हमारे वर्ण हैं इन वर्णों का उद्गम स्थान कहाँ से है, अर्थात मुख से जब वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं ध्वनियों के साथ, तो वो मुख के किस भाग से उच्चारित होते हैं। वो मुख के कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, दंत से उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित हो रहे हैं, जिह्वा से उच्चारित होते हैं, या दंतोष्ट है, या फिर वो कहाँ से, कौन से मुख का कौन सा भाग है जहाँ से हमारे शब्दों का उच्चारण होता है। ये श्रवण कौशल का एक महत्व है कि हम उद्गम स्थान को पहुँचाए पहचाने। जैसे चवर्ग है, चवर्ग च, आप उच्चारित करके देखिए मेरे साथ साथ, चवर्ग जब आप बोलेंगे तो च जो है वो आपका दांत आपके नीचे के दांत ऊपर के दांतों से टकराते हैं, तो ये हमारे दंतोष्ट दांतों से हमारा ये उद्गम स्थान होता है। इसके बाद में ध्वनियों को सुनना एवं ज्ञान का आधार बनाना। ध्वनियों को सुनने के बाद, श्रवण के बाद उसको ज्ञान का आधार बनाया जाता है। ये हमारे श्रवण कौशल का महत्व है। वाणी के उतार चढ़ाव को समझना, वाणी के उतार चढ़ाव को समझना। वाणी के उतार चढ़ाव को समझाने के लिए या समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमारे जो स्वर है, स्वर में देखिए वाणी का उतार चढ़ाव, मैंने बोला ए, अ, ई, ई, उ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए, ये जो मैंने शब्द बोले, आपने देखा होगा जब मैंने बोला ई नीचे, उ ऊपर, ओ ऊपर, तो ये उतार चढ़ाव क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक श्रवण कौशल का विकास नहीं हो सकता। सुनकर शब्दों एवं वाक्यों को बोलने का प्रयास किया जाना श्रवण कौशल का महत्व है, कि जब हम लोगों से शब्द सुनते हैं, वाक्य सुनते हैं, तो सुनने के उपरांत उनको बोलने का, उनको समझने का प्रयास करते हैं, और वो एक महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण तथ्य हमारे श्रवण कौशल में आता है। ध्वनियों के अंतर को समझना, ध्वनियों के अंतर को समझना। जब तक आप ध्वनियों के अंतर को नहीं समझेंगे, आप शुद्ध लेखन नहीं कर सकते, और आप शुद्ध श्रवण वाचन भी नहीं कर सकते, जब तक आप ध्वनियों के अंतर को नहीं समझेंगे। ध्वनियों के अंतर में ध्वनि जो हमारी निकलती है उसमें अंतर क्या है। अब ये नहीं हो सकता ना कि कै और चै, इनमें भी अंतर है, और आपके ई और ई में भी, आप रुचि लिखते हैं, रुचि रुचि, अब आपने रुचि लिखा तो रुचि, रू में आपकी ध्वनि ऊपर गई तो आपने बड़े ऊ की मात्रा लगा दिया, और ची में आपकी ची, आपका नीचे स्वर गया तो आपने छोटे ई की मात्रा लगा दी। तो श्रवण में ध्वनियों के अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, निश्चित रूप से जब हम श्रवण करते हैं या श्रवण जब हम सुनते हैं या श्रवण हमारे कानों तक पहुंचता है, बात हमारे कानों तक पहुंचती है, हम किसी को सुनते हैं, तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति का विकास निश्चित रूप से। श्रोता जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को सुन करके हमें बहुत सारी चीज़ें, आपने देखा है कि कभी भी छोटे से एक बहुत ही सामान्य से दैनिक जीवन से लिए हुए उदाहरण के द्वारा आपको समझा रही हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है
उसको हम में से किसी ने भी याद नहीं करा है, सुन सुन करके हमारी स्मरण शक्ति बढ़ गई है। ऐसे ही हमारे जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं या छोटे छोटे हमारे जो दैनिक जीवन के मंत्र हैं उनको हमने सुन करके सीखा है। तो श्रवण का महत्व है कि वो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। श्रवण कौशल के उद्देश्य, श्रवण कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं और क्या क्या है ये और इनसे क्या होता है, क्या उद्देश्य लेकर के अगर हम श्रवण कौशल, श्रवण का यदि हम शिक्षण कराते हैं, श्रवण कौशल यदि हम पढ़ाते हैं, श्रवण के माध्यम से यदि हम अधिगम कराना चाहते हैं तो उसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। बालक सुनने की क्षमता का विकास कर सकेगा। जब बालक सुनता है तो सुनने से सुन सुन कर उसमें श्रवण शक्ति का विकास होगा। शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित होगी सुनने के उपरांत बालक में शुद्ध उच्चारण। आप एक बार गलत बोलेंगे, आप अशुद्ध तब बोला जाता है। अशुद्धता मुख्य रूप से दो कारणों से आती है। एक कारण होता है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव और दूसरा कारण होता है कि जब आप शब्दों के उद्गम स्थान और ध्वनियों की पहचान नहीं कर पाते तब आप अशुद्ध बोलते हैं। तो श्रवण से हम शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकसित कर सकेंगे। शब्दों का चयन करने की क्षमता विकसित होगी। कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाना है इसके चयन की हमें क्षमता विकसित होगी। एक शब्द के उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे दो चीज़ें होती है, एक चीज़ें होती है और एक चीज़ एक शब्द है और एक शब्द है और। इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। और यानी किसी तरफ और यानी दो शब्दों के बीच या दो वाक्यों के बीच के को अलग अलग अंतर करने वाला शब्द है और एक होता है और। तो इस तरह से शब्दों का चयन कब कहाँ करना है, छोटी ई की मात्रा कहाँ लगानी है, बड़ी ई की मात्रा कहाँ, कौन सा शब्द कहाँ पे प्रयोग करना है, ये सब आप इसकी क्षमता आप में विकसित हो पाएगी। शब्दों की उचित गति, यति, हाव भाव, स्वर आदि को सीख पाएंगे। शब्द जब आप बोलते हैं तो उनकी गति क्या होनी चाहिए, कितनी कैसे आपको बोलना है, कौन से शब्द पे आपको जोर देना है, कौन से शब्द को आपको नीचे स्वर में बोलना है, किसको ऊंचे स्वर में बोलना है, आपके हाव भाव कैसे होने चाहिए, ये सब आप श्रवण के माध्यम से सीख पाएंगे। श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, श्रवणेंद्रियाँ यानी हमारी जो कान है, हमारे कर्णेंद्रियाँ हैं, इनका प्रशिक्षण होता है, स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण होता है। सुन सुन करके हम श्रवण के का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, बौद्धिक विकास में सहायक। निश्चित रूप से श्रवण, जब हम सुनते हैं तो हमारी बुद्धि लिब्धि बढ़ती है और हमारा बौद्धिक विकास होता है। श्रवण कौशल के प्रकार यानी श्रवण जो कौशल है वो कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के श्रवण कौशलों की चर्चा हम कर रहे हैं। अवधानात्मक श्रवण, रसानात्मक श्रवण और विश्लेषणात्मक श्रवण, ये मुख्य तीन श्रवण हैं जो श्रवण पे हम बात करते हैं। जब हमने बात करी है कि अवधानात्मक श्रवण में किस तरह से हम सुनते हैं उसको, रसात्मक अवधानात्मक यानी हमें वो अपनी ओर एक आकर्षित कर रहा है, हमें हम सुनने के लिए सुन रहे हैं उसको, ध्यान हमारा उधर लगा हुआ है, ये है अवधानात्मक। रसात्मक श्रवण ऐसा श्रवण, ऐसा सुनना जिसमें रस की उत्पत्ति हो, जैसे हम संगीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कानों को अच्छी लगने वाली बातें सुनते हैं, ये हमारा रसात्मक। विश्लेषणात्मक सुन कर के हम उस बात पर, उस विषय पर, उस तथ्य पर, उस लेख पर, उस चर्चा पर जहाँ विश्लेषण कर पाते हैं, चिंतन मनन कर पाते हैं, वो हमारा होता है विश्लेषणात्मक श्रवण। इसके बाद हम बात कर रहे हैं श्रवण की शिक्षण विधियाँ। श्रवण की कितनी शिक्षण विधियाँ हैं, श्रवण की शिक्षण विधियों में सर्वप्रथम मैं आपके साथ में चर्चा कर रही हूँ सस्वर वाचन पे। सस्वर वाचन, सस्वर श्रवण जिसको हम सुनते हैं, सस्वर वाचन के द्वारा हमारा श्रवण होता है। शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करके और विद्यार्थियों द्वारा सस्वर वाचन करवाने के से शुद्ध उच्चारण, गति, आरोह एवं ज्ञान का प्राप्त होता है। जब कक्षा कक्ष में भाषा का शिक्षण होता है तो वहाँ एक निश्चित एक पद्धति है कि शिक्षक पहले किसी भी गद्यांश या पद्यांश का आदर्श वाचन करता है और आदर्श वाचन की
एक एकाएक नियम है कि वो स्वर में होता है, लय से होता है, ताल से होता है, आरोह अवरोह से होता है, गति यति से होता है, शुद्धता के साथ होता है, प्रभाविक रूप से होता है और साथ ही साथ व्याकरण के चिन्हों का ध्यान रखते हुए किया जाता है। उसको जब हम पहले अध्यापक से श्रवण सुनते हैं और उसके पास उसी का अनुकरण जब विद्यार्थी करते हैं तो इस आदान प्रदान की क्रिया को सहस्वर वाचन कहते हैं और इससे ये हमारी श्रवण की सहस्वर वाचन की विधि है जिससे श्रवण श्रवण के लिए ये की जाती है। भाषण, भाषण के माध्यम से श्रवण कौशल को विकसित किया जाता है। भाषण प्रभावशाली होने की स्थिति में विद्यार्थी निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस भाषण को केवल सुनते ही नहीं है, उसे आत्मसात भी करते हैं। इससे आगे हम बात कर रहे हैं विधियों में प्रश्नोत्तर विधि। जब अध्यापक कक्षा कक्ष में अपनी पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद में अपने मूल्यांकन के लिए और विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए की जांच के लिए कि उसके द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों ने कितना ध्यानपूर्वक सुना, कितना आत्मसात किया, इसके लिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो इस बात का परीक्षण करता है कि विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ये हमारी हुई एक प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के बाद में हम बात करते हैं श्रुत लेखन। श्रुत लेखन श्रवण कौशल को विकसित करने का एक अच्छा माध्यम है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में शुद्ध लिखने की वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अध्यापक, माता पिता, अभिभावक, मित्र, कोई भी किसी वाक्य को, किसी वाक्यांश को या किसी पद्यांश को या किसी गद्यांश को बोलता है और उसको सुनकर के विद्यार्थी लिखते हैं, इससे विद्यार्थियों में शुद्ध लिखने की वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक या शिक्षक जो 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 वाचन करता है, बोलने वाला है, उसका उच्चारण शुद्ध और उच्च स्वर में होना चाहिए और इससे शुद्ध लेखन की वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। कहानी सुनना, कहानी सुन करके दादी नानी इनसे हम जब कहानी सुनते हैं या कक्षा में, छोटी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में जब अध्यापक से विद्यार्थी कहानी सुनते हैं तो उससे उनके श्रवण कौशल का विकास होता है और उसी क्रम में अध्यापक विद्यार्थियों को ये निर्देश देता है कि जो मैंने कहानी सुनाई अब वही कहानी आप मुझे सुनाइए और इस सुनने सुनाने की प्रक्रिया में हमारे श्रवण कौशल का विकास होता है। ये एक विधि है, वाद विवाद विधि। इस विधि में प्रतिद्वंद्वी का प्रतिरोध करने के लिए प्रतिभागी निश्चित रूप से सुनता है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता एक श्रवण कौशल की एक सशक्त विधि है जिसमें प्रतिभागी निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक सुनता है क्योंकि यदि वो ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा तो अपने प्रतिद्वंद्वी का प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ध्यानपूर्वक सुनता है और इससे हमारी श्रवण कौशल में वृद्धि होती है। उसके बाद में हमारा आता है रेडियो। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से शिक्षा प्रोग्रामों का प्रसारण रेडियो पर होता है, जैसे वार्ताएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, खेल और अन्य समाचार और सूचनाएं आप लोग रेडियो पर सुनते हैं और ये एक श्रवण का बहुत ही सशक्त और आवश्यक और उचित एक विधि है। वार्तालाप, आपसी वार्तालाप से भी श्रवण कौशल का विकास होता है। वार्तालाप अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन है। आपसी बातचीत के लिए, आपसी वार्तालाप के लिए व्यक्ति जो है वो श्रवण करता है क्योंकि जब वार्तालाप होती है तो एक बोलता है और दूसरा सुनता है और दूसरा बोलता है पहला सुनता है, तो ये एक सशक्त विधि और सशक्त माध्यम भी है। विधियों की चर्चा के उपरांत अब हम बात करते हैं श्रवण का कि श्रवण शिक्षण के दोष क्या क्या है। श्रवण की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई भी जो कौशल है वो हर कोई भी विधि है, प्रविधि है, कौशल है, उसमें कहीं ना कहीं दोष और गुण समाहित होते हैं। दोष और गुण वैसे भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो हम दोषों पर चर्चा कर रहे हैं श्रवण शिक्षक के दोष कौन कौन से। अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण, जब मैं अध्यापक के अशुद्ध उच्चारण की बात कर रही हूँ तो यहाँ मैं आपको प्रदेशों के जो क्षेत्रीय भाषा है उसके प्रभाव के साथ मैं समझाना चाहूँगी। राजस्थान प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, किसी भी प्रदेश की आप बात कर लीजिए, वहाँ का जो भी शिक्षक है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वह जब हिंदी भाषा में भी बात करता है तो हिंदी भाषा में बात करते हुए भी वह कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय भाषा
कि जो बोलचाल की भाषा है उस बोलचाल की भाषा का प्रभाव उसमें आ जाता है। कहाँ गया, क्यों गया, सटेशन, ऐसे कई शब्द हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में सुनते होंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारे जो श वाला जो हमारा वर्ग है उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। सरोज और ससी, यदि हमने सरोज को भी सरोज बोल दिया और ससी को भी ससी बोल दिया तो ये अशुद्धि हो गई। लेकिन ये जहाँ अध्यापक बोलता है वहाँ निश्चित रूप से उस प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। इसको अध्यापक को ध्यान में रखना होगा और शिक्षक को इसका उच्चारण सही करना होगा, अन्यथा श्रवण के जो शिक्षण का ये दोष है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में अरुचि को उत्पन्न करता है। अध्यापक का धीमा स्वर कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ चीज़ें जो हैं जो हमारी शारीरिक जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो पाता है, और कुछ जो अध्यापक और शिक्षक हैं उनका जन्मजात उनका स्वर जो होता है वो धीमा होता है, मंद होता है, और वो मंद होने की वजह से और सामूहिक कक्षा में उनका स्वर धीमा पड़ जाता है और उससे श्रवण शिक्षक हैं उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, वो अरुचिकर हो जाता है। अरुचिकर विषय, कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ विद्यार्थियों में को केवल व्याख्यान विधि से और वहाँ रुचिकर नहीं लगते उनको सुन करके। मान लीजिए कि मैं विज्ञान विषय को यदि पढ़ करके सुना रही हूँ, उसको केवल व्याख्यान विधि से सुना रही हूँ, या मैं गणित पढ़ा रही हूँ और उसको केवल मैं भाषण विधि से पढ़ा रही हूँ, तो विद्यार्थियों के लिए वो अरुचिकर हो जाएगा। ऐसे अरुचिकर पद्धतियों से, ऐसे विषय के अनुसार हमें अपनी शिक्षण विधियों का ध्यान रखना पड़ेगा। आसपास के वातावरण का शोरगुल, श्रवण शिक्षक में सबसे बड़ा दोष होता है कि यदि आप श्रवण कर रहे हैं, आपको कोई सुना रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई आपका अधिगम करा रहा है, आपकी कक्षा ले रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, और वहाँ यदि आसपास के वातावरण में शोरगुल आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो निश्चित रूप से वो अप्रभावी हो जाएगा। कर्कश एवं कटु शब्दों का उच्चारण, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक चीज़ों को अलग नहीं कर पाते हैं, या हम अपने अनुभवों से आहत हो जाते हैं, या हम अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को अपनी व्यावसायिक चीज़ों में ले आते हैं और हमारे जो शब्द होते हैं वो कर्कश और कटु हो जाते हैं उनका उच्चारण सुन करके, और वो हमारा श्रवण है। ऐसे कर्कश और कटु वचनों को कोई भी नहीं सुनना चाहता, तो ये श्रवण शिक्षण का एक दोष है। अस्पष्ट निर्देश, जब हमें अस्पष्ट निर्देश नहीं मिलते हैं तो हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये श्रवण शिक्षण के कुछ दोष हो गए। श्रवण कौशल विकास से संबंधित क्रियाएं, श्रवण कौशल के विकास से संबंधित क्रियाओं की बात करेंगे तो दो प्रकार की क्रियाएं मुख्य होती हैं, एक होती है शैक्षिक क्रियाएं और दूसरी होती है सहशैक्षिक क्रियाएँ। सहशैक्षिक क्रियाओं में नाट्य का रूपांतरण कराना, कहानी प्रतियोगिता का आयोजन कराना, सामूहिक बाल सभा करवाना, कविता दरबार लगवाना, युवा संसद का आयोजन करवाना, ये कुछ मुख्य कार्यक्रम, ये कुछ मुख्य गतिविधियां हैं जिनको हम कर सकते हैं। और शैक्षिक क्रियाओं में प्रतिदिन जो हमारे विद्यालय की, पाठशाला की, संस्थान की जो हमारी प्रार्थना सभा होती है, वहाँ आज का समाचार एवं समाचार पत्रों में से कुछ मुख्य समाचार लिख करके उनको सुनाना, ये कुछ हमारी शैक्षिक क्रियाएँ इसमें सम्मिलित है। आज के इस प्रोग्राम में डीएलएड का जो आज हम ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें हमने आज श्रवण कौशल, श्रवण क्या है, भाषा के अंतर्गत आने वाले कौशलों में श्रवण का अर्थ क्या है, श्रवण का महत्व क्या है, श्रवण क्यों किया जाना चाहिए, श्रवण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी क्रियाएँ क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा की। और इस सब चर्चा के दौरान हमने ये जानने की कोशिश करी कि श्रवण जब तक प्रभावशाली नहीं होगा तब तक उससे विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति लाभान्वित नहीं होगा, और श्रवण को आपको लाभान्वित बनाने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। एक, आपका भाषा पे आपका की पकड़ होनी चाहिए, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से आपको बचना होगा, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, आप जो भी श्रवण करें उसमें स्वर होना चाहिए, ताल होना चाहिए, गति होनी चाहिए, यति होनी चाहिए, लय होना चाहिए, और व्याकरण के विराम आदि चिन्ह हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी वाणी में
प्रवाह होना चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और जिश्वता होनी चाहिए। यदि इस प्रकार का श्रवण आप करवाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं भी लाभान्वित होंगे, आपका शब्द भंडार बनेगा और आपके साथ साथ आपको जो सुन रहा है, आपके विद्यार्थी हैं या श्रवणकर्ता जो हैं वो लाभान्वित होंगे। इस चर्चा में मैं आशा करती हूँ कि इस चर्चा से श्रवण कौशल में आपने श्रवण कौशल क्या है और क्या इसकी उपयोगिता है, इससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। हम निरंतर इसी तरह के कार्यक्रमों में आपसे मिलते रहेंगे और भविष्य में विचार विमर्श और चिंता चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार।